दैया रे दैया, इंडिया वालों बच गए। बाल बाल यार बारिश रुकी नहीं, बारिश रुकी, हम खेलने की तैयारी कर रहे थे कि फिर से शुरू होगी। भैया बचागी तुमको बारिश, वरना भैया आज तो बहुत पिटाई होनी थी। ये टारगेट 30 ओवरों में पूरा करना था शाहीन। भैया आपने चार चार विकेटें ली, क्या कमाल गेंदबाजी की यार, अफसोस रहेगा, इंडिया को ठोकने का मौका था, बच गए। बाबर भैया बस करो, हमने आप बच गए भैया, चार विकेटें गिर गई हमारी, जल्दी क्या हो गया, हमसे रन नहीं बने। लेकिन पांडे और किशन ने कैसे ठोका भैया, 266 ठोक डाले थे, तुमसे तो भैया 166 नहीं बनने थे। हो सकता था कि भैया हमारे गेंदबाज आपको केवल 66 रन ना बनाने देते। भैया हमारी भी गेंदबाजी थी, तुम्हारी तो लुल्ल बल्लेबाजी थी, बच गए यार। हाँ रोहित भैया चार विकेटें गिर गई, कोई टेंशन नहीं थी। फिर भैया किशन आउट हो गया, मैं भी आउट हो गया, हम दोनों शतक लगा जाते तो 350-400 रन बन जाने थे, उधर से भी बच गए भूतनी के। और बाबर भैया तुमसे कहाँ बनने थे, मैंने चार पांच विकेटें भी लेनी थी, जो मेरा शतक नहीं हुआ, 13 रन चूक गया, तो 5-6 विकेटें भी लेनी थी, ये शाइन का भी रिकॉर्ड तोड़ना था। तुम यार बस करो, रहने दो, बाल बाल बचे, बारिश तुम्हारे को बचा ले गई। अबे जाओ यार पांडे, भूतनी के जाके काम धंधा कर, 66 पे 4 आउट हो गए थे, बाबर को तरस आ गया, बाबर भैया ने हमको हटा लिया गेंदबाजी से, नहीं तो भैया 20 ओवर में लुड़का डालना था और मैच भी हमने जीत जाना था भैया। पहले पहले बारिश होने से बाबर भैया ने खामखा गलती कर दी, फिर हम दूसरी स्पेल में आए, कैसे एक ही ओवर में भैया 13 करोड़ जड्डू को चलता है कि ऑल आउट किया ना आपकी टीम को, पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई, ये 266 हमारे बल्लेबाजों ने 30 ओवर में करने थे। अबे जाओ यार शाइन भैया, आपने नहीं आउट किया इनको भैया, हम जानबूझ के आउट हो गए, हमने सोचा भैया किशन की पारी नहीं आएगी, ओपनिंग बल्लेबाज है, चलो जल्दी जल्दी इसको पारी देते हैं। फिर ये दोनों आए, साथ पांडे आया, कैसे भैया आपकी हंडी बजाया, बढ़िया करके अभी तो बच गया, लेकिन 266 भी बहुत था भैया, आपके सब बल्लेबाजों की पैंट गीली पीली नीली पीली हो जानी थी, नहीं बनने थे कभी भी, बारिश बचागी, अब रहने दो यार, सबको पता है किसने जीतना था। छोड़ा यार कोहली भैया, ये अब काम आने के, बारिश की वजह से ससुरी वाले बच गए, ससुर के नातियों कैसे मैंने ठोका, 82 रन बनाए भैया, अभी तो बच गए, शतक लगाना बाकी था, लेकिन हमने सोचा बोध हो गया पाकिस्तान के लिए, ये स्कोर 266, पैंट गीली हो जानी थी भैया, गुम हो जानी थी, चड्डी भी नीचे से एसी की तेसी हो जानी थी, बच गए यार पाकिस्तान वालों, फोकट में टेंटे नहीं करो, तुम्हारा कौन सा बल्लेबाज कोई बढ़िया खेल सकता है, हमारे सामने टिकना भी नहीं था हमारी गेंदबाजी भी। अबे बस करो इंडिया वालों, शर्म करो यार, सबको पता था किसका पलड़ा भारी था, किसने जीतना था, अब भैया बारिश की वजह से तुम्हारी इज्जत बच गई, कम से कम मुंह तो बंद करो, क्यों टेंटें कर रहे हो, हमारा मुंह क्यों खुलवा रहे हो, ये स्कोर कुछ भी नहीं था, हमारे ओपनिंग बल्लेबाजों ने ठोकना था, उसके बाद भैया मैंने आना था, बाबर आजम ने भैया तुम्हारी ऐसी लंका ढानी थी ना भैया, 9-8-9 विकेटों से पेल देना था, बाबर ने शतक ठोकना था। बाबर भैया आपकी पारी नहीं आनी थी, मैं और इमाम उल हक ने ठोकना था, इंडिया वालों याद है ना चैंपियन ट्रॉफी में कैसे शतक ठोका था, आज 150 बनाना था, 10 विकेटों से पेलना था, 267 पूरा करना था भैया, 50 ओवर अगर होते 20 होते तो फिर तो आराम से भैया 155 का टारगेट मिल रहा था, ठोकना था, लेकिन पूरे 50 ओवरों का भी होता ना 267 रन 0 विकेट पर पूरा होना था, ओडीआई में भी 10 विकेटों से ठोकना था, बच गए, तुम्हारी काम अजाल थी, तुम हिल भी पाते। हाँ इंडिया वालों अगर ये ओपनिंग आउट भी हो जाते ना आते ही, तो उसके बाद बाबर भैया भी आउट हो जाता, तो आपको ठोकने के लिए ये चाचू इफ्तकार अकेला ही काफी था, ऐसा ठोकना था भैया, गिनती कर करके छक्के लगाने थे तुम्हारे पांडे और बुमराह की, तो भुमरी भुमरी कर देनी थी, बच गए यार। अबे बस करो पाकिस्तान वाले, फोकड़ में टेंटे नहीं करो, आज तो बच गए सुपर फोर में, तुम चले गए हो, हम भी आ जाएंगे नेपाल से जीत के, उधर तुमको तेल लगाएंगे, फिर पता चलेगा भैया। अबे बस करो इंडिया वालों, आज हमारा कमाल देखा, 10 की 10 विकेट तुम्हारी हम तीन तेज गेंदबाजों ने निकाली, ऐसा पहली बार हुआ क्रिकेट की हिस्ट्री में, 4 महीने 3 नसीम ने 3 हर्ष रूफ ने, अगर भैया हमारे बल्लेबाज गलती से आउट भी हो जाते ना तो हम तेज गेंदबाजों ने ये टारगेट पूरा कर लेना था, ये तुमने कौन सा टारगेट बनाया था 266 का, मेरा बल्ला जब चलता है ना तो आधा शतक और शतक तो मेरा 20-25 गेंदों पे आ जाना था, अब रहने दो। छोड़ो यार शाहीन भैया, ये अब काम आनेंगे, भूतनी के बच जो गए हैं भैया, 10 विकेटों से ठोकने का मौका था, ससुरी बारिश ने काम खराब कर दिया, इंडिया वालों हम तो गए सुपर फोर में, अब तुम आ जाना कहीं नेपाल से, तेल लगवा के पतली गली नहीं पकड़ना, ठीक है इज्जत रखना, उधर फिर बताएंगे, अगर नहीं यकीन तो ये मैच भैया कल करवा लो, ऐसा होगा नहीं, अब निवार से जीतना, कहीं डर के हार ना जाना, क्योंकि पाकिस्तान तुमको अब कभी भी नहीं छोड़ेगा।